निश्चित रूप से पूरे देश में मोदी की लहरी नहीं सुनामी है, और हर एग्जिट पोल यही कह रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे। देश में मोदी के प्रति जनता की अगाध श्रद्धा भी है और उनके प्रति विश्वास भी है। इस देश को बड़ा देश बनना है तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बननी चाहिए, और ये एग्जिट पोल भी कह रहे हैं, और ये एग्जिट पोल में भी तब्दील होंगे ही। जो एनडी गठबंधन के नेता हैं, जिन्होंने इस देश के एकता अखंडता पर कुठाराघात किया, वो सब जानते हैं कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें 400 पार, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री, और ये देश पुनः विश्व के मानचित्र पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के अपने सफर को और आगे बढ़ाएगा। पब्लिक मीडिया नेटवर्क का जो एग्जिट पोल है उसमें मोदी की गारंटी पर जनता ने यकीन किया है। मोदी हैट्रिक मानने वाले हैं, 358 से ज्यादा सीटें एनडीए को आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ हैं। सर, जो एग्जिट पोल आया है उससे तो यही लगता है कि जनता ने मोदी की गारंटी पर यकीन किया है। निश्चित रूप से पूरे देश में मोदी की लहरी नहीं सुनामी है, और हर एग्जिट पोल यही कह रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे। इस देश में मोदी के प्रति जनता की अगाध श्रद्धा भी है और उनके प्रति विश्वास भी है, और इसका सीधा सीधा कारण है 10 वर्ष का मोदी जी का सुशासन। इस देश को बड़ा देश बनना है तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बननी चाहिए, और ये एग्जिट पोल भी कह रहे हैं, और ये एग्जिट पोल में भी तब्दील होंगे ही होंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन खड़गे जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये फेक है, और जो असल रिजल्ट जो है 4 तारीख को आएंगे और उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पक्ष के कार्यकर्ताओं को आप काउंटिंग में जाने दोगे या नहीं जाने दोगे? यदि ये नहीं बोलेंगे तो कांग्रेस या विपक्ष के कार्यकर्ता काउंटिंग में भी नहीं जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं का काउंटिंग की टेबल तक भेजने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। खड़गे भी जी भी जानते हैं, और देश में जो तथाकथित जो एनडी गठबंधन के नेता हैं, जिन्होंने इस देश के एकता अखंडता पर कुठाराघात किया, वो सब जानते हैं कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब केवल मोदी है, केवल एनडीए। 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, अभी तो एग्जिट पोल है, उसमें क्या 400 पार हो मध्य प्रदेश में 29? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें 400 पार, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री, और ये देश पुनः विश्व के मानचित्र पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के अपने सफर को और आगे बढ़ाएगा। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग है, इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल है, लेकिन जो असल नतीजे आएंगे वो इससे भी ज्यादा बेहतर होंगे और देश और ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ेगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। निश्चित रूप से पूरे देश में मोदी की लहरी नहीं सुनामी है, और हर एग्जिट पोल यही कह रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे। देश में मोदी के प्रति जनता की अगाध श्रद्धा भी है और उनके प्रति विश्वास भी है। इस देश को बड़ा देश बनना है तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बननी चाहिए। ये एग्जिट पोल भी कह रहे हैं, और ये एग्जिट पोल में भी तब्दील होंगे। जो एनडी गठबंधन के नेता हैं, जिन्होंने इस देश के एकता अखंडता पर कुठाराघात किया, वो सब जानते हैं कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें 400 पार, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री, और ये देश पुनः विश्व के मानचित्र पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के अपने सफर को और आगे बढ़ाएगा।